कितनी शर्मनाक बातें हैं कि एक सिंबॉलिक चेन में अपने आप को जकड़ के दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश का चौथा स्तंभ गुलाम बन चुका है, खास करके मौजूदा सरकार के टाइम में किस तरह से गोदी मीडिया लोगों की आवाज दबा रही है। मोदी जी ने एक नारा दिया था, हाँ जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ। अब लगता है नया नारा हो जाए, हाँ। न बोलूंगा न बोलने दूंगा। कॉर्पोरेट तो गोदी मीडिया खरीद खरीद के सरकार को खुश करी, आवाज दबना चाहिए। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, आज पहलवान लोग जो यहाँ पे धरने पे बैठी बैठी है वो उठ उठ के बाहर जा रही है, कनॉट प्लेस में हर जगह जा रही है। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ जो ये शख्स मौजूद हैं जंजीरों में जकड़े हुए हैं और इनके हाथ में जो आप पोस्टर देख रहे होंगे जिसमें गोदी मीडिया के लिए बहुत शानदार चीजें लिखी हुई है, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लोग याद करते हैं और उस मीडिया को याद करते हैं जब उस मीडिया ने खुल के सामना किया था उस इमरजेंसी का भी, और जिसमें कई न्यूज पेपर प्रिंट मीडिया ने इमरजेंसी के खिलाफ सादे कागज छोड़ दिए थे बिना प्रिंट किया विरोध के अंदर में। लेकिन आज वही गोदी मीडिया देश में कोई घोषित इमरजेंसी नहीं है लेकिन अघोषित एक इमरजेंसी आप कह सकते हैं, जिसके तहत खास करके देश का चौथा स्तंभ गोदी मीडिया गायब है। पहलवानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और जहां से आपको देश का चौथा स्तंभ गायब दिखेगी, शुरू के 4-5 दिनों में तो आपको वो नजर आई होगी, लेकिन लगातार अब जब पहलवान के सामने कोई नहीं आ रहा है, जब कोई मीडिया कवरेज के लिए नहीं आ रहा, तो वही पहलवान निकल के कभी गुरुद्वारा कभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, कभी कनॉट प्लेस के जा रहे हैं। तो देश में वो दिन आ गए हैं जो स्वतंत्रता के टाइम में लोगों को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों के मार्फत मतलब बोल बोल के मैसेज पहुंचाना पड़ता था, आज गोदी मीडिया के 2023 में 21वीं सदी में वही हाल है। ये सब क्या गोदी मीडिया क्या जंजीरों में जकड़ी हुई है? सर आज के टाइम में गोदी मीडिया जो है जंजीरों में ही है, गोदी में जंजीरों में। जब ये पहलवान सोना लेकर आए थे, सोना लेकर, तब तो बुलाते थे हर मीडिया वाला, हर गोदी मीडिया, पहलवान जी कहाँ हो, साक्षी मलिक कहाँ हो, विनेश जी कहाँ हो, बजरंगी जी कहाँ हो, अपने स्टूडियो में बुलाते थे। आज वो अपने स्टूडियो में क्यों नहीं बुला रहे, क्या हो गया उनको? स्टूडियो में तो छोड़ो, रोड पे पूरी गोल्ड पेनलिस्ट बेटियां चल रही है, उनको दिखा नहीं रहे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, गोदी मीडिया जंजीरों में है, गोदी मीडिया आज जंजीरों में है, जकड़ा हुआ है। अरे छोड़ो गुलामी, छोड़ो पैसों वालों की गुलामी, छोड़ो, आप दिखाओ जो देश का सच्चाई है वो दिखाओ लोगों को। ये सच लोग बैठे हैं पहलवान, देश के लिए सोना लाए, जो एक सच कहावत है, कोई उन्होंने जुमलेबाजी नहीं की। तो गोदी मीडिया जो आप कह रहे हो कि गुलाम है, तो जो गोदी मीडिया है और वो जिसका गोदी मीडिया है कॉर्पोरेट का, उस कॉर्पोरेट के गोद में सरकार बैठी है, तो वो गोदी मीडिया कैसे दिखाएगी? मैं वही तो कह रहा हूँ, गोदी मीडिया ने वो भी उनको पैसा कैसे दे दिया, सारे कैसे दे दिया, कौन से जो संविधान के मुताबिक दिया गया है या क्या दिया गया, जो पैसा सारा जनता का पैसा है वो सारा वही लोग लेंगे, जैसे राहुल जी कहते थे हम दो हमारे दो, तो ये वही लोग हैं दो जिन्होंने मीडिया को अपने कब्जे में किया हुआ। फिर जंजीरों से खोलो मीडिया को, गुलाम गोदी मीडिया छोड़ो इन लोगों को। मुकेश अंबानी का कई चैनलों में शेयर है, यानी कि 80% जो गोदी मीडिया है उसमें कॉर्पोरेट का शेयर है। वहीं पे अदानी ने भी आपने देखा कि किस तरह से NDTV को एक्वायर किया, कॉर्पोरेट तो गोदी मीडिया खरीद खरीद के सरकार को खुश करी, आवाज दबना चाहिए। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, आज पहलवान लोग जो यहाँ पे धरने पे बैठी बैठी है वो उठ उठ के बाहर जा रही है, कनॉट प्लेस में हर जगह जा रही है, उन लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो हम लोग धरने पे बैठे हैं, लोगों को जागृत करना चाहती है कि हमारा क्या कसूर कि हम देश के लिए सोना लाए, हमारा यह कसूर है कि देश के लिए सोना लाए, आज हम अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो पहले जब जीत के आई थी तब तो स्टूडियो वाले, साक्षी जी कहाँ हो, विनेश जी कहाँ हो, बजरंगी जी कहाँ हो, आओ हमें इंटरव्यू दो। तो आज क्या हो गया, आज अपनी लड़ाई के लिए देश मोदी मीडिया ने बुलाया था, तो मोदी जी ने भी बुलाया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी ने बुलाया था, गोल टेबल पे बिठाया था, आज क्यों नहीं बुला रहे कि बताओ आपको क्या तकलीफ है, आपको हम बताओ, स्टूडियो में आओ, स्टूडियो में देश के लोगों को बताओ, किसी ने बुलाया? बड़े बड़े वो एंकर आते हैं, आइए मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ उधर, वो जो बड़े बड़े एंकर आते हैं स्पीकर लेके, वह क्या उनके कहीं गए, उनके घर में सामने रहता है वो ब्रिजभूषण, क्या उनके घर में कभी गया है? कभी नहीं गया। उनके घर में जाए ना तब पता लगे, उनके घर में जाने से पता लगे कि क्या है क्या नहीं है। तो आज गोदी मीडिया कहाँ है, मैं ये जगाना चाहता हूँ कि कहाँ है। इतना गोदिया मीडिया के पास सारी फैसिलिटी है, उनके पास एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं,
एयर कंडीशन वो भी है, तो वो ओबी भी कहाँ चली गई, या ओबी में बिठा ले इनको, इंटरव्यू ले ले इनका। आज मोदी मीडिया जब चार दिन इनको दिखाया था, अब दिखाने से डर क्यों रही है? भाई वो दिखाए ना, जब वो सोना लेके आई थी तब तो दिखा रहे थे, आज वो अत्याचार पे बैठे हैं तो उनको दिखा नहीं रहे, आज वो अत्याचार के लिए बैठे हैं तो दिखा नहीं रहे। हमारे यहाँ बीच में सुरजेवाला जी भी आए हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, तो हम लोग यही चाहते हैं कि इनको वो किया जाए। जो मीडिया है चौथा स्तंभ है, देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और लोकतंत्र को रक्षा करने वाला भी ये मीडिया है, लेकिन कहाँ चला गया वो मीडिया? गया तो कहीं नहीं है, तो यही पे, लेकिन सरकार के प्रचार में व्यस्त है। सर वो हमें नजर नहीं आता सरकार पे प्रचार में कर रहे, सरकार भी तो कुछ नहीं कर रही ना, बिना बात के सरकार के प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही, सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही ना, सरकार तो कुछ नहीं कर रही, क्या करोगे आप? सरकार इतनी शर्मनाक बातें हैं कि एक सिंबॉलिक चेन में अपने आप को जकड़ के दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश का चौथा स्तंभ गुलाम बन चुका है, खास करके मौजूदा सरकार के टाइम में किस तरह से गोदी मीडिया लोगों की आवाज दबा रही है, किस तरह से लोगों की आवाज जो सरकार तक पहुंचानी थी उसको दबा रही है, उसके बजाय जिसका काम था आवाज पहुंचाना वो लोगों की आवाज दबा रही है। मोदी जी ने एक नारा दिया था, हाँ जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब लगता है नया नारा हो जाए, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा, ना बोलने दूंगा ना बोलूंगा खुद खा जाऊंगा, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा खुद खा जाऊंगा। कहते ना दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे, ये इनका नारा है। तो आज क्या क्या है, क्या किया है, कहाँ गया वो मीडिया कहाँ है? मैं तो ये गोदी मीडिया कहाँ है, जो तो इनको कहते रहे कि जरा सी कोई बात हो तो सारा गोदिया मीडिया पहुंच जाता है। आज इस शौचालय का उद्घाटन हुआ, आज शौचालय का उद्घाटन हुआ, सारा गोदी मीडिया पहुंच जाता था, आज कहाँ है? मंत्री जी का कुत्ता खो गया, वो तो दिखाते थे ना, खो गया, ढूंढने में लग जाते थे, कहाँ गया, किधर गया, बताते थे, मिला नहीं अभी तक, चार घंटे हो गए, पुलिस क्या कर रही है, मंत्री जी का कुत्ता खो गया, भैंस खो गई, वो कहाँ चले गए लोग? वो हम वही चाहते हैं ना, वो ढूंढने में लग गए सारे, तो हकीकत बता दें लोगों को क्या है। देखिए 2023 में आप खड़े हैं, और 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने कितने कस्बे खाई थी, संसद के सीढ़ियों को मत्था टेका था, लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, जिस लोकतंत्र से जनता की आवाज गायब हो गई, जिस तंत्र से इसमें चौथा स्तंभ को गुलाम बना लिया गया है, आप सोचिए कौन सा लोकतंत्र इस देश में चल रहा है। और आप निकल के देखेंगे रोड पे, एक भी जनता की आवाज दिखाने वाला कोई मीडिया आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि वही गोदी मीडिया सरकार के प्रचार तंत्र में तब्दील है, तो क्या आज जो ये बेटियां चिल्ला रही है, देश की 60 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस देश में रो रही हैं, उनकी आवाज का कौन? मैं तो यही अपील करूंगा, मत रो बेटी, देश की 60 करोड़ महिलाएं भी रो रही हैं, आज 60 करोड़ महिलाएं भी रो रही हैं, और इस सरकार के रहते हुए चलिए इस देश में क्या हाल है लोकतंत्र का, ये आप सामने देख रहे हैं। और जिस तरह से इस देश में चौथे स्तंभ को खत्म किया गया है, उसका एक सिंबॉलिक उदाहरण यहाँ तो ये दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता सोच ले कि आने वाले वक्त में आप चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, और लोग चिल्ला रहे हैं इसी जंतर मंतर पे, कोई दिखाने वाला नहीं है, और यही वजह है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप कितना भी चिल्ला दे। नमस्कार।